हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं एक और पाकिस्तानी मूवी के ट्रेलर पे, जिसका नाम है अज्ञात व्यक्ति हिंदी में, उर्दू में नामालूम अफराद। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इस मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस मूवी का ट्रेलर कैसा है। Here we go. फिल्म वाला पिक्चर्स, इन्होंने ही शायद एक्टर इन लॉ भी बनाई थी मुझे जहां तक याद है। हड़तालों में सबका बुरा होता है, हड़ताल या दंगा, मगर हमारा भला होने वाला था। गलती हमारी है, बगैर प्लानिंग के चले गए, वैसे बचत हो गई। हाँ, दंगा कराने गए थे। देखो इस बार प्लान मैं बनाऊंगा, वरना मेरे बगैर कर लो। करना क्या चाहते हो तुम लोग? हेलो, दर्ज मैं पार्सल। मरते हैं कि ऐसा कोई प्लान हाथ आ जाए, और हमारे पास तो प्लान है यार। और वैसे भी कोई डाका नहीं डाल रहे हम, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते थे? तो गैर कानूनी तरीके से ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं। गोगी भाई, आप मौत, गोगी और टट्टी कभी ये कैसा डायलॉग है भाई? मैं तो पहले ही कह रहा था ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बच्चों का खेल नहीं हो। ओ यार, एक हर बात तुझे पहले बता होती है। मैं तो पहले ही कह रहा था। ओ, इस बार पक्की सेटिंग है, उनके पहुंचने से पहले मैं दुबई पहुंच जाऊंगा। मैंने तो बहुत कोशिश की पर प्लान में कुछ कमी रहे। मेरे पास डबल प्लान है। अब क्या करेंगे? ऑपरेशन। इंडिया पैसा ही नहीं, बारिश हो रही है पैसों की। हालात खराब हो गए शकील भाई। खराब होने पे खुश हो रहे हैं। नामालूम अफराद, वो कहां से आएंगे? वो हम चुप, बताना नहीं किसी को। ओके, नहीं बताऊंगा। और है क्या? नामालूम अफराद, अगर ये मूवी हिंदी में रिलीज होती तो इसका नाम जरूर होता अज्ञात व्यक्ति। वैसे ये एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। वैसे स्टोरी ये है कि तीन बंदे हैं और तीनों के पास भी पैसे नहीं है। एक दुबई जाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। एक को खुद के बहन की शादी करनी है लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं है। तीसरा एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और वहां उसकी लंका लग चुकी है, और आगे क्या करना है उसके पास कुछ प्लान है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास भी पैसे नहीं है। ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं और एक ऐसी तरकीब निकालते हैं पैसा बनाने की कि आप सोच भी नहीं सकते। दंगों का फायदा आखिर कौन उठाता है भाई? मैं उठाता है। स्टोरी जो है वो पहले हाफ में तो रियलिस्टिक है, लेकिन सेकंड हाफ में ये जो लोग करते हैं पैसे बनाने के लिए वो शायद रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वैसे मूवी का फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों ने कसम खाई हुई है कि वो आपको हंसा हंसा के लोटपोट करेंगे। और मैंने एक रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इस मूवी का जो बजट है वो पाकिस्तानी रुपए में 9 करोड़ रुपए है, मतलब ये इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने तो होते हैं करीब 5.5 करोड़ रुपए। खैर, इतने में यहाँ एक गाना बनती है, वो भी मुश्किल से, और आप लोगों ने इतनी बड़ी फिल्म बना दी। वाह, सलाम है यार आप लोगों को। मौत, गोगी और टट्टी कभी भी आ सकती है। सही में
यार शायद इसी डायलॉग की वजह से एलियन सबसे बात नहीं करते। भाई ने बालों को क्या किया हुआ है, मतलब शॉक लगा। ओवरऑल बात करें तो ये मूवी बहुत ही फनी है। ये लोग, ये तीन लोग जो भी करते हैं पैसा बनाने के लिए, उससे अजीब सा सीन क्रिएट होता है जो आपको बहुत ही गुदगुदाता है। ये लोग जो प्लान बनाते हैं पैसे बनाने के लिए, वो तो सफल नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरी वजह से ये लोग करोड़पति बन जाते हैं। ओवरऑल अगर 10 स्टार में से मैं इसे 8 स्टार दूंगा। वैसे ये ट्रेलर का रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई पाकिस्तानी मूवी का ट्रेलर है जिस पर चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं, तो उस मूवी का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब की बार एम करते हैं कम से कम 300 से ऊपर लाइक्स की, तो 300 से ज़्यादा कर देना यार प्लीज।